आज मेरे लिए अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि यातायात माह के बारे में जागरूकता हेतु आपके स्कूल में यहाँ ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया गया, जिसमें मुझे आमंत्रित किया गया। बहुत ही अच्छी उम्दा प्रदर्शनी आप लोगों ने दी बच्चों, इसके लिए पहले तो आपके लिए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज आपके खुद के लिए। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइसली अरेंज्ड, एंड आई गॉट टू नो दैट यू आर ऑल क्लास 11 स्टूडेंट्स। दैट मेक्स मी इवन मोर हैप्पी, बिकॉज वेर एवर आई गो इन एवरी स्कूल आई हैव नेवर सीन सच सीनियर पीपल पार्टिसिपेटिंग विद सो मच एंथुसियाज्म इन सच प्रोग्राम्स। नॉर्मली दे आर वेरी वेरी स्मॉल किड्स who will not even understand what we are trying to tell them. And you, for that I must thank you, Principal Ma'am, because you people are just at the right age where we want to give the message to you, because we think that this is the right age when this message can enter your brains and you can understand what we are trying to tell you. कई बार ये आप लोगों ने जो ये प्रोग्राम अभी ऑर्गेनाइज करा नुक्कड़ में, ये सब कुछ आपने कवर कर दिया, मेरे को और कुछ बताने की इसमें जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी, मैं बार 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 एक ही चीज कहती हूँ कि अपना खुद का आप लोग इम्पोर्टेंस समझिए। व्हाट इज माय ओन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ माय लाइफ। आपकी लाइफ बहुमूल्य है। आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स और आपके दादा दादी, सिर्फ उन्हीं के लिए आप प्यारे हैं, सिर्फ उन्हीं आप एक घर के चिराग हैं, सिर्फ वही आपकी इम्पोर्टेंस नहीं। इस राष्ट्र का निर्माण तभी हो सकता है जब युवा पीढ़ी अपने दायित्वों को समझे, अपने जीवन के मोल को समझे और राष्ट्र के निर्माण में उनकी क्या उपयोगिता है, उनकी क्या भूमिका है उसको समझे। जब आप अनुशासन में जीते हैं, अनुशासन में रहते हुए अपना जीवन यापन करते हैं, तो आप सिर्फ अपने जीवन को नहीं बचाते। ये सिर्फ एक बात नहीं है कि अनुशासन के रहते हुए आपने हेलमेट भी पहना, आपने जो है ट्रैफिक लाइट्स को भी फॉलो किया, आपने राइट डायरेक्शन भी ली, आपने विद इन पर्टिकुलर रेंज ऑफ ट्रैफिक स्पीड है उसको, स्पीड को भी मेंटेन किया, आपने डबल राइड ट्रिपल राइडिंग नहीं की, आपने नशे का सेवन नहीं किया, इससे आपकी जान बच गई। ये बस एक पहलू है इसका। ज्यादा जरूरी ये है, थोड़ा सा हट जाएंगे उनको देख पाऊँ, ज्यादा जरूरी ये है कि आपके जीवन में अनुशासन जब आ जाता है तो अनुशासन में रहते हुए आप हर एक चीज को अनुशासन से करते हैं। आप ये समझते हैं कि क्यों डिसिप्लिन जरूरी है। ये सिर्फ आपके जीवन की बात नहीं है, ये आपकी पूरी लाइफ की बात है। आप जीवन में क्या करेंगे आगे, आप क्या किस पद पे कहाँ कब कैसे जाएंगे, आप क्या इंजीनियर बनेंगे, क्या आप डॉक्टर बनेंगे, या बहुत बड़े इंजीनियर बहुत बड़े डॉक्टर बनेंगे, या जनता की सेवा करते हुए आप जो है सिविल सर्विस को ज्वाइन करेंगे, क्या करेंगे, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन डिसिप्लिन। और इसीलिए हम लोग हमेशा स्कूलों में जाके ये चीजें आपको बताते हैं, क्योंकि अगर आप अभी हमारा मैसेज समझ जाएंगे कि हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं, तो जीवन भर आप लोग जो है उन चीजों को फॉलो करते हुए अपनी लाइफ तो बचाएंगे या दूसरों की भी लाइफ बचाएंगे। आज आप यहाँ पे किसी के बच्चे हो के यहाँ पे आप स्टूडेंट की तरह हो, कल को आप आगे बढ़ोगे, आप कॉलेजों में जाओगे, फिर आप जॉब करने जाओगे, फिर आपकी अपनी एक फैमिली होगी, फिर आपके अपने बच्चे होंगे, आपको लगेगा कि मेरा बच्चा कल कर वापस आए, अच्छे से आए, तब आपको लगेगा कि भाई उस समय मैं भी तो स्टूडेंट था और उस समय मुझे जब ये बताया जाता था तब मुझे अच्छा नहीं लगता था सुनने में। लेकिन आप लोग ये समझिए कि क्यों जरूरी है यातायात के नियम फॉलो करना। जरूरी इसीलिए है क्योंकि आपका जीवन बहुमूल्य है। स्पेशली ये देखा गया है कि वर्ल्ड वाइड जब लोग मर रहे हैं, जब उसका एक स्टैटिस्टिकल डेटा निकाला गया, सबसे ज्यादा मौतें, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, सबसे ज्यादा मौतें दुनिया में वो सड़क दुर्घटनाओं में हो रही है। कोई बहुत, ये बहुत ही अफसोस की बात है, कोई बीमारियों से या अन्य किसी तरीके से मरने से ज्यादा सड़क दुर्घटना में मर रहा है। और उसमें भी जब एक आकलन किया गया तो देखा गया भारत वर्ष में एक्सीडेंट्स तो हो रहे हैं, दुनिया में भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मौतें वो भारत वर्ष में हो रही है। और जब इसका फर्दर एनालिसिस किया गया तो उसके अंदर जो एज ब्रैकेट आया, एज ब्रैकेट वो 18 से लेकर 40 साल, 18 भी क्यों, उसमें भी थोड़े से बच्चे पहले के 16 से 40 के ब्रैकेट में, तो आप लोग अंडरस्टैंड, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कितना बड़ा ह्यूमन लॉस इस कंट्री को हो रहा है अगर लोग जो है सिर्फ ऐसे सड़कों पर मर जा रहे हैं, जो उनका योगदान हो सकता था उनके परिवार के प्रति, उनके उनके राष्ट्र के प्रति, वो नहीं हो पाया, दैट्स ऑल लॉस्ट। और ऑफ कोर्स अगर किसी के बच्चे के साथ कुछ होता है, किसी के पापा के साथ, किसी के भी साथ, रिश्तेदार के साथ कुछ भी होता है, उस परिवार पे क्या गुजरती है ये सिर्फ वो परिवार समझ सकता है। और मैं
हमेशा यही चाहती हूँ कि कहीं भी किसी को भी इस तरह की दुखद घड़ी ना देखनी पड़े, क्योंकि ये बिल्कुल अवॉइडेबल था, ये बिल्कुल आपके हाथ में था, आप चाहते तो वो चीज नहीं होती। स्पेशली जो यंग बच्चे हैं उनको मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज आप लोग अगर स्कूटीज ड्राइव कर भी रहे हैं प्लीज हेलमेट पहने, हेलमेट पहने और ट्रिपल राइडिंग बिल्कुल मत करें, क्योंकि आपका वाहन उसके लिए उपयुक्त नहीं है। आपका जो वाहन है उसके अंदर इतना वेट नहीं है कि वो टक्कर लगे और वो आपको बचा ले जाए। अगर एक इंसान होता है उसका वो बैलेंस कर लेगा, दो होते हैं फिर भी बैलेंस हो सकता है, तीन होते हैं तो बैलेंस मुश्किल हो जाता है, चार होते हैं तो बैलेंस इम्पॉसिबल हो जाता है। अभी आप लोगों ने एक नुक्कड़ नाटक में दिखाया कि पांच लड़के जा रहे हैं एक बाइक के ऊपर चढ़ के, देयर वाज नो वे दैट दे कुड बी सेव, देयर वाज नो वे। इसका एक ही आपको लगता है जगह तो है मेरे इसमें, मैं तो आप लोग भी छोटे पतले से हो, आपको लगता है कि छोटी सी जगह आपको चाहिए, आपके दो तीन दोस्त और उसमें एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन आप लोग प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपका जो वाहन है, जो आपकी स्कूटी है, वो उसके लिए उपयुक्त नहीं है, वो सिर्फ दो लोगों के लिए ही थी। और अगर उसको हल्की सी भी टक्कर लगी और वो गिरी, अगर वो गिर गई, देन देयर इज नो सेविंग, वो वाहन उसके लिए उपयुक्त नहीं है। इसीलिए इतने सारे कैटेगरीज ऑफ वाहन होते हैं, इतने प्रकार के, आप एसयूवी भी जानते हो, आप पता नहीं कौन कौन से बहुत बड़े बड़े बहुत अच्छे अच्छे वाहन होते हैं, बहुत हल्के वाहन भी होते हैं, ये डिफरेंस होता है। इसीलिए आप लोग को बार बार कहा जाता है कि तीन सवारी में मत जाइए, मत जाइए, मत जाइए। और मैं आपको बता देती हूँ ये सिर्फ किसी शहर की बात नहीं है, गांवों में भी इतने अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हो जाते हैं जिनके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। पगडंडी में जाते हुए अचानक कोई गिर गया अपनी मोटरसाइकिल से, उसकी मोटरसाइकिल भिड़ गई किसी और से और वो उसकी वहीं पे मौत हो गई। कारण क्या था? उसने हेलमेट नहीं पहना था, क्योंकि जो ब्रेन है हमारा एक बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है कि वही सब कुछ, एक ब्रेन और एक हार्ट, ये दोनों अगर जीवित रहते हैं तो इंसान को जीवित माना जाता है, भले वो कुछ ना बोल रहा हो, भले वो लेटा हुआ हो, भले वो वेंटिलेटर पे हो, कुछ भी हो, अगर उसके दिमाग में एक्टिविटी है और उसके हार्ट बीट है तो उसको जीवित माना जाता है। लेकिन अगर आपका ब्रेन अफेक्ट हो गया, देन देयर इज नो कमिंग बैक, दैट इज सपोज टू बी डेथ। हाथ टूटना, पैर टूटना, कहीं भी होना, वो एक अलग बात है, उससे आप रिकवर कर सकते हैं, लेकिन ब्रेन इंजरी से आप रिकवर करें ये बहुत ही मुश्किल होता है। और अधिकतर जब इस तरह के एक्सीडेंट्स होते हैं तो सर ब्रेन इंजरी जो होती है उसकी वजह से डेथ होना पाया गया है, नॉट बिकॉज कि किसी का हाथ टूट गया या पैर टूट गया, उसकी वजह से डेथ नहीं होती है, डेथ हेड इंजरी की वजह से होती है। इसीलिए हेलमेट पहने और अच्छी क्वालिटी का हेलमेट पहने। ज्यादा से ज्यादा कितने रुपए का आ जाएगा? अगर एक 500 600 रुपए का भी अगर आप हेलमेट पहन रहे हैं तो उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, और अगर आप 1100 का पहन रहे हैं वो तो बहुत ही अच्छी होती है। इट विल डेफिनेटली, अगर आपको एकदम से वो चोट तो हो सकता है लगे, लेकिन लाइफ सेवर की तरह वो जरूर वर्क करेगा। इसीलिए आप लोग प्लीज अपने अंदर ये अनुशासन लाएं और अपने पापा को भी जाकर बताएं कि बिना हेलमेट के वो घर से बाहर ना जाए। आई हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मेरे उद्बोधन से आप लोगों को थोड़ा कुछ लगे कि भाई दिस मैटर्स, योर लाइफ इज वैल्यूएबल, यू आर वैल्यूएबल, नेवर जस्ट थ्रो अवे योर लाइफ इन द होप ऑफ अ लिटिल चाव, प्लीज डोंट डू दैट, दैट योर लाइफ विल नेवर कम बैक, दैट मोमेंट यू कैन हैव मल्टीपल मोमेंट्स, बट any stupid thing done in a spur of a moment can cost you a lot and can cost the society and the country a lot. It's my humble request to all of you, please follow traffic rules and please give your significant contribution to the development of this nation. Thank you. Jai Hind.